मंच पर उपस्थित मणिपुर के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान बीरेन सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरे साथी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, मणिपुर के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर श्रीमान विश्वजीत सिंह जी, पीएचईडी के मिनिस्टर श्री लोसी बिखो जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जॉय कुमार जी, खेल और युवा मामलों के मंत्री लेटपाओ हुकीब जी, उपस्थित दोनों संसद सदस्य गण, उपस्थित सभी अधिकारी गण, उपस्थित सभी विधायक गण और उपस्थित सभी मणिपुर के प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रणाम करकर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज जिस म्यूजियम का भूमि पूजन, उसमें उपस्थित रहने का मुझे मौका दिया है, इसलिए मैं सबसे पहले हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भाई अर्जुन मुंडा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि एक ऐसा पवित्र काम है जिस काम के माध्यम से एक दो साल नहीं, सैकड़ों सालों तक हमारे स्वातंत्र सेनानियों का जज्बा, हमारे स्वातंत्र सेनानियों की देशभक्ति और उनके कार्यों की सुगंध आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचने वाली है। आज मैं जब मणिपुर के अंदर ये ट्राइबल म्यूजियम स्वतंत्र सेनानियों का बन रहा है, उस वक्त मणिपुर के सभी स्वतंत्र सेनानियों को आदरांजलि श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। पूना ब्रजवासी युवराज तिकेंद्रजीत, जनरल थंगल, निरंजन सुबदर, चिराई थंगल, महाराज कुलचंद्र सिंह, जोदो नांग, रानी मां, हिजाम इराबोत सिंह, ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने मणिपुर के इस प्रदेश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर अपने देश का परचम ऊंचा करने का काम किया था। मैं इस बात से भी बहुत बहुत अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं कि अभी मैं अंडमान निकोबार गया था, वहां पर जब विजिट के पहले वहां की सारी पहाड़ियों का इतिहास में पढ़ रहा था, तब मुझे मालूम पड़ा कि माउंट हैरियट के पहाड़ी पर, जो हैरियट एक अंग्रेज के नाम से जाना जाता है, वहां पर मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र सिंह और उनके सेनानियों के, उनके साथियों के, वहां के महामात्य को सालों तक कैद रखा गया था और काला पानी की सजा दी थी। जिस वक्त देश भर में कहीं पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का माहौल नहीं था, सबसे पहले मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र सिंह के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी और सालों तक अपने प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर ये महाराजा ने जेल भोगी थी। उनकी स्मृति में वो माउंट का नाम, वो पर्वत का नाम हमने माउंट मणिपुर करकर महाराजा कुलचंद्र और सारे मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और आज मणिपुर के अंदर इस स्वतंत्रता संग्राम का म्यूजियम जो बन रहा है रानी मां गाइडिनल के नाम पर, मुझे पूरा भरोसा है कि न केवल मणिपुर, पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के ये आकर्षण का केंद्र बनेगा, क्योंकि हमारा स्वतंत्रता संग्राम हमारे आदि जाति भाइयों के बगैर अधूरा है। अधूरा ही नहीं बल्कि एक प्रकार से देखें तो सबसे ज्यादा तकलीफें उठाकर अगर किसी ने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बलिदान दिए हैं तो हमारे
ट्राइबल समाज के, हमारे आदिजाति समाज के स्वतंत्र संग्राम के नेता और उनकी याद में उनको चिरस्मरण करने के लिए ये जो म्यूजियम बन रहा है, ट्राइबल म्यूजियम बन रहा है, मुझे भरोसा है कि यहां से सालों तक देशभक्ति की प्रेरणा हमारे युवा लेते रहेंगे। मित्रों, आज ये वर्ष हमारे आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष, हमारी आजादी को 75 साल होंगे और अभी अभी देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन, हर वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिन के रूप में मनाकर देश की संस्कृति की रक्षा के लिए और देश के स्वतंत्रता के लिए जो आदिम जाति समाज का योगदान है, वो योगदान को गौरव प्रदान करने का काम किया है। और चूंकि इस वर्ष आजादी के 75वां वर्ष है, इसलिए ये पूरा सप्ताह 15 से लेकर 22 तक का हम यहां पर आदिजाति गौरव सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। आज इसके अंतिम दिन, ये बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए कि रानी मां के नाम के साथ जुड़कर ये म्यूजियम का आज शिलान्यास किया गया है, जिस म्यूजियम में सारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा। मुझे कवि श्री कृष्ण सरल की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, पूजे न शहीद गए तो फिर आजादी कौन बचाएगा, धरती को मां कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। रानी मां को याद कर फिर से एक बार मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं कि आपसे हम सभी प्रेरणा लेते हैं, आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा लेगी, क्योंकि आपको, आप जन्म से रानी नहीं, ना रानी का खिताब आपको किसी ने दिया, मगर जिस तरह से आपने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर हिस्सा लिया, आज पूरा देश आपको रानी मां कहकर सम्मानित करता है। जब सरकारें खिताब देती है तब तो कुछ साल में वो भुला दिए जाते हैं, मगर जनता जब खिताब देती है तो उसको युगों युगों तक लोग याद करते हैं। तो मैं फिर से एक बार रानी मां को याद कर उनको श्रद्धांजलि देता हूं। बाबा तिलका मां जी, सिद्धो कानू, चांद भैरव, तेलंगा खड़िया, मध्य प्रदेश के शंकर शाह, रघुनाथ शाह, शेख भिखारी, गणपत राय, उमराव सिंह टिकेत, विश्वनाथ सहदेव, नीलांबर पीताम्बर, नारायण सिंह, जतरा उराव, जदोनांग और राजमोहन देवी जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अलग अलग मौके पर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए करने का काम किया है, और इस सब में भगवान बिरसा मुंडा को कैसे भुलाया जा सकता है। देश में सबसे पहले आजादी की अलग जगाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था, हमारा आदिजाति नेता जिनको पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानता है, उन्होंने ये अलग को जगाया था। मित्रों, इस वर्ष को हम अमृत महोत्सव के वर्ष के रूप में मना रहे हैं, परंतु प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव की कल्पना की, इसके पीछे तीन उद्देश्य देश की जनता के सामने रखे हैं। एक तो आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और संघर्ष किया, ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को ये याद करने का मौका है, क्योंकि आज देश दुनिया में गौरव के साथ जहां पर खड़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, उनका बलिदान इसकी नींव में। अगर वो उस वक्त बलिदान न देते तो आज देश को ये दिन देखने को न मिलता। तो देश की नई पीढ़ी को जाने अनजाने गुमनाम कई शहीद और कई संघर्षरत स्वातंत्र सेनानियों को याद करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव को स्थान स्थान पर मनाने का निर्णय किया है। और उसके माध्यम से दूसरा लक्ष्य है कि देश की नई पीढ़ी में देशभक्ति का जज्बा जगाना। हमें, हमारा जन्म ही आजादी के बाद हुआ है, आजादी के लिए मरने का मौका इस पीढ़ी को नहीं मिलेगा, अगली पीढ़ी को भी नहीं मिलेगा, मगर देश के लिए जीने का मौका देश भगवान ने जरूर दिया है। तो हमारा पूरा जीवन देश के विकास में लगे, देश को गौरव दिलाने में लगे और देश को आगे बढ़ाने में लगे, इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने की जरूरत है। और तीसरी बात, ये 75 साल से 100 साल को हमारे प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत काल के रूप में मनाने का निर्णय किया है।
100 साल के बाद भारत कैसा होगा, जब आजादी के 100 साल समाप्त होंगे उस वक्त भारत कहां खड़ा होगा, भारत विश्व के प्रमुख देशों में अपनी जगह बना लेगा, ये आत्मविश्वास के साथ देश की जनता ने संकल्प लेना है। और इस संकल्प लेने के लिए ये अमृत काल को सुनिश्चित किया है, एक दृष्टि में ये संकल्प का वीर साल। मित्रों, आज मैं रानी मां की स्मृति में जो म्यूजियम बना है तो रानी मां के बारे में जरूर बात करूंगा। रानी मां का जन्म मणिपुर राज्य के एक गांव के अंदर हुआ और रानी मां ने बचपन से ही 13 साल की उम्र में ही जदो नांग के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जुड़ गई और 26 से 27 के आसपास उनके 2 साल के जुड़ाव ने उनको अंग्रेजों के खिलाफ एक स्वतंत्र सेनानी बनने के लिए तैयार कर दिया। रानी मां ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। जदो नांग की शहादत के बाद रानी मां के करिश्माई नेतृत्व में एक भीषण स्वतंत्रता संग्राम हुआ। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक जलियांग्रोंग विरोध जो हुआ उसका नेतृत्व भी रानी मां ने कहा और उन्होंने गौरव से कहा कि हम स्वतंत्र लोग हैं, गोरे लोग हम पर शासन नहीं करेंगे, हम सरकार को हाउस टैक्स नहीं देंगे, हम उन्हें अन्यायपूर्ण कार्य कानून जैसे जबरन मजदूरी और अनिवार्य पोर्टेज सब्सक्रिप्शन का पालन भी नहीं करेंगे। और एक छोटी सी उम्र की युवा लड़की पूर्वोत्तर की सुदूर पहाड़ियों में रहकर विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य को चैलेंज करती है, वो उनके आत्मीय ताकत का एक पर्चा था। 1927 में जदो नांग ने जो गांधी जी की प्रशंसा में गीत लिखा उसने पूरे पूर्वोत्तर में आजादी की अलग जगाई थी और बाद में रानी मां को बहुत लंबे समय तक इन सब कामों के लिए जेल में भी रखा गया, परंतु आज पूरा देश उनको सम्मान के साथ याद करता है। अभी अभी जब प्रधानमंत्री जी ने उनके जन्म शती का समारोह था उसमें 5 रुपया और 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया, उनको पद्म भूषण भी दिया गया और ताम्र पत्र से भी सम्मानित किया गया। और भारतीय तटरक्षक बल ने 19 अक्टूबर 2016 को हमारी गश्ती पोस्ट को ICG रानी गाइडिनल ल्यू का नाम देकर उनको सम्मानित करा है और देश के सुरक्षा के बहुत अहम काम के साथ उनके नाम को जोड़ने का काम किया है। मित्रों, देश भर में ये जो जनजातीय स्वतंत्र सेनानी संग्रहालय बन रहे हैं, मैं मानता हूं इससे हमारे पूरे समाज को एक करने में हमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं जहां जनजातीय आबादी नहीं है वहां की देश की जनता को मालूम ही नहीं है कि जनजातीय समाज ने देश की आजादी के लिए कितना बड़ा संघर्ष किया है, कितने उच्चतम बलिदान दिए, हमारी संस्कृति को समाहित करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको संवर्धित करने के लिए कितना बड़ा योगदान जनजातियों का है वो उनको मालूम ही नहीं है। इसलिए 15 अगस्त 2016 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय घोषित किया था कि सरकार अलग अलग राज्यों में ऐसे जनजातीय स्वतंत्र सेनानियों के संग्रहालय बनाएगी ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि हमारे आदिवासी भाई, हमारे जनजातीय भाई बलिदान देने में हमसे भी आगे थे। और सरकार ने इसके लिए 195 करोड़ की राशि आवंटित की है, उसमें 110 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। गुजरात, झारखंड, आंध्र, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर, इसके अंदर ये संग्रहालय बनने वाले हैं। मणिपुर का संग्रहालय भी 15 करोड़ की बहुत बड़ी रकम के लागत से बनने वाला है, परंतु मैं मानता हूं कि इससे पूरे उत्तर पूर्व के जनजातीय क्षेत्रों में फिर से एक बार देशभक्ति की चेतना जागृत करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के जनजातीय विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार है। एकलव्य स्कूल करनी हो, जंगल उत्पादों को MSP पे खरीदना हो,
कई प्रकार के जनजाति विकास के काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किए, इसकी लंबी सूची है, मगर मैं आज इसको पढ़ना नहीं चाहता। मैं मणिपुर के बारे में भी थोड़ी बात करना चाहता हूं। विगत 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मणिपुर के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके शासन के अंदर बहुत समय के बाद एक शांति काल आया है और मणिपुर आगे निकला है। और मणिपुर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, वो बीरेन सिंह के नेतृत्व की सरकार ने पूरा किया। हमने कहा था अब कोई हड़ताल नहीं होगी, हमने कहा था अब कोई बंद नहीं होगा, हमने कहा था अब कोई ब्लॉकेड नहीं होगा, और तीनों वादे हमारे 5 साल पूरे हो गए। ना हड़ताल हुई है, ना बंद हुआ है, ना ब्लॉकेड हुआ है। एक जमाने में मणिपुर के अंदर कई सारे हथियारी ग्रुप आते थे, आतंक मचाते थे, और देखा जाता था कई मामलों में शासन भी उनके साथ लिप्त है, मगर बीरेन सिंह के शासन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मणिपुर की जस की तस रही है। इसके अंदर बहुत बड़ा सुधार किया, जो हमने सोचा था इसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बीरेन सिंह जी ने आगे बढ़ाई। मैं उनको बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं, और एक और 70 साल का मणिपुर का विकास, और एक और 5 साल में नरेंद्र मोदी और बीरेन सिंह के जोड़ी ने जो विकास किया है उसको रख दें, तो मुझे भरोसा है कि हमारे शासन के 5 साल का पलड़ा जरूर भारी होगा, और 70 साल के विकास पर हमारा 5 साल का विकास भारी पड़ेगा। मणिपुर के अंदर ढेर सारे काम हुए, खेल यूनिवर्सिटी बन रही है, मणिपुर के अंदर नया विधानसभा भवन भी बनकर तैयार है, प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, मणिपुर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हुई है, मणिपुर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ढेर सारे काम हुए हैं, और पहाड़ के गांव विशेषकर जो चोटियों पर बसे हैं उनको पहली बार अनुभव आ रहा है कि कोई केंद्र सरकार, कोई राज्य सरकार हमारी चिंता कर रही है। सबने इनके वोट लिए परंतु इनके विकास की चिंता नहीं थी। हर गांव में, हर पहाड़ में, पहाड़ी गांव में बिजली पहुंचाने का काम हुआ है, हर आदिवासी नागरिक को, हर मणिपुरवासी को 5 लाख तक का सारा उनका स्वास्थ्य का खर्चा आज फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। सबके घर में गैस पहुंचाने का काम किया है, सबके घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया, कई सारे पहाड़ पर नए स्कूल खोले गए हैं, पहाड़ों की कनेक्टिविटी के लिए चिंता की गई है। तो पहाड़ पर रहने वाले हमारे दोनों ट्राइब के लोगों को भी ऐसा लगता है कि पहली बार कोई सरकार ने, मणिपुर सरकार ने, केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी और बीरेन सिंह जी के नेतृत्व में हमें विकास के दर्शन कराने का काम किया है।